फ्री फायर दुनिया के सबसे फेमस गेम्स में से एक है, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग इसे खेलना पसंद करते हैं। और अगर आप फ्री फायर का मैप देखो तो आप ये देख ही सकते हो कि फ्री फायर ने पूरी दुनिया के लोकेशन से एक्सपायर होकर इस फ्री फायर का मैप तैयार किया है, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग इसे खेल सके। तो इस वीडियो में आप ऐसे ही फ्री फायर के लोकेशन को देखने वाले हो जो रियल लाइफ में मौजूद है। नंबर 6, हंगर। हंगर फ्री फायर का एक फेमस लोकेशन है जो कि बरमूडा के कोने में मौजूद है। ये लोकेशन एक छोटा सा एयरपोर्ट है जो कि फ्री फायर ने रियल लाइफ से एक्सपायर होकर ये बनाया है। और जैसे कि आप रियल लाइफ के इस लोकेशन को देख सकते हो जो कि दिखने में बिल्कुल ही हंगर की तरह है। इस लोकेशन में फ्री फायर की तरह ही एक सिंगल रनवे बना हुआ है और आसपास पेड़ ही पेड़ है, और फ्री फायर की तरह ही इसमें भी चारों तरफ पानी ही पानी है। ये लोकेशन एक प्राइवेट आइलैंड है, उस पर एक छोटा सा एयरपोर्ट बना हुआ है जो कि दिखने में बिल्कुल ही हंगर की तरह है। नंबर 5, शिपयार्ड। शिपयार्ड भी फ्री फायर के सबसे हॉट प्लेसेस में से एक है, जहां पर आपको सबसे अच्छी लूट मिलती है। पर आपको बता दूँ कि फ्री फायर में इस शिपयार्ड को ऐड किया हुआ है, जो कि एक देख सकते हो कि एक एबंडेंट शिपयार्ड है। फ्री फायर का शिपयार्ड एक बहुत ही बड़े एरिया में बना हुआ है, और ऐसा ही एक शिपयार्ड दमन में मौजूद है। इस शिपयार्ड का नाम दमन शिपयार्ड है और ये भी बहुत ही बड़े एरिया में बना हुआ है, और फ्री फायर ने इस शिपयार्ड से एक्सपायर होकर अपने इस शिपयार्ड को बनाया है। और अगर आप इसे देखो तो आप ये देख ही सकते हो कि दिखने में बिल्कुल फ्री फायर के शिपयार्ड की तरह ही है। नंबर 4, ब्रिज। आपने फ्री फायर के इस ब्रिज को जरूर देखा होगा जो कि संतोषा और कैप्टन को जोड़ता है। बहुत से फ्री फायर लवर्स इस ब्रिज को देखकर पहचान गए होंगे, पर आपको बता दें कि यह ब्रिज भी एक रियल लाइफ में मौजूद है, और फ्री फायर ने इस रियल लाइफ के ब्रिज को देख के ही अपने इस गेम में डाला है। ये ब्रिज ऑस्टन आमला रिवर के ऊपर बना है। ये ब्रिज फ्लाइट कंट्री जॉर्जिया में मौजूद है, जो कि इस कंट्री की सबसे फेमस लोकेशन है। नंबर 3, रिमनम विलेज। रिमनम विलेज फ्री फायर की एक ऐसी लोकेशन है जिनके बारे में बहुत ही कम लोग ही जानते होंगे, क्योंकि ये बरमूडा के बहुत ही कोने में पड़ता है। इस लोकेशन के ग्राफिक्स को भी ठीक से नहीं बनाया गया है, और ये लोकेशन मालदीप के इंस्पायर होकर बनाया गया। और फ्री फायर बरमूडा 2.0 में इसे मैप से रिमूव कर दिया जाएगा। उसके बाद में एक रियल फिशिंग टाउन गांव का एक लोकेशन ऐड किया जाएगा। नंबर 2, फार्म हाउस बिहाइंड ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड के पीछे वाला फार्म हाउस आपने जरूर देखा होगा। इस तरह के ट्रेडिशनल फार्म्स आपको यूरोप, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में देखने को मिल जाएंगे। ये लोकेशन आपको फ्री फायर के साथ साथ दूसरी गेम्स में भी देखने को मिल जाएगी, और इसी लोकेशन से एक्सपायर होकर फ्री फायर में इस लोकेशन को ऐड किया गया है। नंबर 1, क्लॉक टावर। क्लॉक टावर हमेशा कई लोगों की फेवरेट लैंडिंग लोकेशन होगी, क्योंकि इस लोकेशन पर बहुत ही अच्छी लूट मिल जाती है। क्लॉक टावर का भी रियल लाइफ से एक्सपायर होकर बनाया गया है। क्लॉक टावर का डिज़ाइन आपको वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज में देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इसका रियल हुबहू वर्जन देखो तो आपको एब्रिल नाम की जगह पर देखने को मिल जाएगा। ये क्लॉक टावर एब्रिल का एक बहुत ही फेमस लैंडमार्क है, जो कि देखने में बिल्कुल ही फ्री फायर के क्लॉक टावर की तरह ही है। दोस्तों, फ्री फायर में आपकी फेवरेट लोकेशन कौन सी है कमेंट कर हमें ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।